मुझे बहुत खुशी है कि टॉयस अवार्ड में मुझे नॉमिनेट किया गया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस अवार्ड के। हाँ, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम इस अवार्ड से कि हाँ हमें भी ऐसा, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है वो लोग भी सोचेंगे कि नहीं हमें भी वैसा ही टॉयस अवार्ड जैसा लेना है और शायद और बहुत मेहनत करेंगे। मैम, आपको लगता है एथलीट्स लोगों को जब होता है इस तरह का समारोह होता है तभी पूरी मीडिया सवाल उठाती है, लेकिन अभी इस तरह के समारोह नहीं हो रहे तो कोई जवाब नहीं उठा रहा है, आपको लगता है कुछ कमियां हैं अभी तक? बिल्कुल भी नहीं, कोई कमियां नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, बस हमें करना है। तो आपको लगता है ऐसी कोई कमियां होगी जो नहीं? कुछ भी नहीं। देखिए, सामने बहुत कॉम्पिटिशन है, नॉट 2018 को कॉमनवेल्थ एशियन गेम, हम ज़्यादा फोकस उसमें ही करेंगे और हमारी पूरा कोशिश रहेगी कि हम अच्छा करें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कब ये शुरू होगा, तो मैं टॉयसा को थैंक्स देना चाहता हूँ, इतना अच्छा एक आयोजन किया है। तो इंडियन स्पोर्ट्स के लिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है, ऐसे मीडिया भी अगर ऐसे आगे आए तो इंडियन स्पोर्ट्स और आगे जाएगी, मेरा ये उम्मीद है। आपको लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान एथलीट्स की तरफ, आपको ऐसा लगता है? देखिए, गवर्नमेंट इंडिया जितना वो करना चाहिए वो तो कर रही है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट इंडिया को खबर पहुँचा देंगे कि और ज़्यादा होना चाहिए। देखिए देखिए फेडरेशन में जो झगड़ा है उनको ख़त्म करना चाहिए गवर्नमेंट को सबसे पहले, जैसे एथलीट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है फेडरेशन का झगड़े से, बच्चे को कंपटीशन नहीं मिल रहा है, तो हमारा इंडियन एथलीट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जिस फेडरेशन में झगड़ा है उनको ख़त्म कर देना चाहिए। या सरकार को मतलब गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम देना चाहिए, भाई एक या दो महीने में आप अपना झगड़ा ख़त्म करके नेशनल कंपटीशन कराओ, नहीं तो हम आपको बिल्कुल ही मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर हम खुद कराएंगे, ऐसा कुछ डिसीजन होना चाहिए। मैम, एक आखिरी सवाल है, जो आपको रोल मॉडल करते हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? बस वही बोलूँगी इनको कि बहुत मेहनत कीजिए कि हमारे कंट्री को बहुत सारे मेडल दीजिए आप। Thank you. Thank you. Thank you. Ma'am, first of all, thank you. Ma'am, आप बताना चाहिए इतना दिन से अवार्ड हो रहा है इस तरह का, इतना प्रोत्साहन मिलता है कि अवार्ड से, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं हॉकी से उनको ज़्यादा अवार्ड से नवाजा नहीं जाता, क्रिकेट को ज़्यादा नवाजा जाता है, लेकिन हॉकी को नहीं, कितना इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया? सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का कि उन्होंने है ना इस तरह के इवेंट्स जो है वो होस्ट करते हैं, और लास्ट ईयर भी ये इवेंट उन्होंने होस्ट किया था और इस साल भी उन्होंने होस्ट किया है। और स्पेशली क्या है कि जैसे प्लेयर्स को जो अवार्ड्स मिलते हैं वो ऑलवेज प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट और फ्यूचर में अच्छा करने के लिए, क्योंकि अगर प्लेयर्स कुछ अच्छा करता है उसको उस चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो नेचुरल वो नेक्स्ट टाइम भी यही सोचता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है अपनी कंट्री के लिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन का भी हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, आपको लगता है कहीं ना कहीं इन हॉकी वेमेंस टीम्स को? नहीं, अभी काफ़ी कुछ पहले से ज़्यादा चेंज हो चुका है, जैसे हमारी अभी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज कर रही है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली है ना, और स्पेशली जैसे हॉकी इंडिया है, हॉकी इंडिया हर साल ऐसी एक अवार्ड सेरेमनी कराती है जिसमें वो प्लेयर्स को फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स जो है वो देती है, तो उससे प्लेयर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है और प्लेयर्स को और मोटिवेशन मिलता है कि वो और अच्छा करें नेक्स्ट ईयर्स में। और मेरे को लगता है कि जो हमारा ग्रास रूट है उस पर ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए ताकि वहाँ से प्लेयर्स और ऊपर आ सकें। तो मैम, आपको लगता है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कम होती है हमारे देश के अंदर, वेमेंस को बढ़ावा नहीं दिया जाता हॉकी के लिए, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं है? मतलब एक तरफ अगर हम देखें तो वेमेंस को हम बात करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट, लेकिन हॉकी के लिए हम ज़्यादा नहीं, ये नेशनल गेम है हमारा देश का, जितना हम क्रिकेट को देते हैं ध्यान उतना हम चाहे वो लिया भी हो बट वी आर नॉट गिविंग दैट मच इम्पोर्टेंस टू हॉकी, तो व्हाट इज़ योर फर्स्ट? ये है कि जैसे मीडिया भी है उसको है ना टेंशन पे करनी चाहिए हॉकी को भी, जैसे क्रिकेट को करते हैं, क्योंकि अगर सबसे पहले मीडिया उनको टेंशन पे करेगी तो नेचुरल वो हाइलाइट्स होंगे प्लेयर्स है ना, और वो और ज़्यादा अच्छा करेंगे। और दूसरा कि अगर वुमेन की बात करते हैं तो वुमेन्स हमारे इंडिया में
काफ़ी अच्छा कर रही हैं और अभी पहले से ज़्यादा गवर्नमेंट और पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट करने लगे हैं वुमेंस को स्पोर्ट्स करने के लिए, है ना। और जैसे अगर ओलंपिक्स की बात करें, ओलंपिक्स में भी वुमेंस ने इतना अच्छा किया, जैसे है ना पीवी सिंधु, साक्षी मलिक ये सब मेडल्स लेके आए हैं कंट्री के लिए। और मेरी यही है कि वुमेंस को ज़्यादा से ज़्यादा खेल स्पोर्ट्स करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और है ना कंट्री को प्राउड फील करा सकें। और हॉकी में अगर बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि हॉकी ज़्यादा प्लेयर्स नहीं इसलिए खेलते वुमेंस हॉकी में क्योंकि स्पॉन्सर्स को बहुत ज़रूरत है आगे आने के लिए, प्लेयर्स को स्पॉन्सर करें वो लोग, है ना, और उनको फाइनेंशियली हेल्प हो और जॉब्स हैं जैसे, तो वो प्लेयर्स के लिए कम है जॉब्स अगर टीम स्पोर्ट्स में देखें, स्पेशली वुमेंस हॉकी के लिए। तो जॉब्स जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं रेलवे के अलावा उनको जॉब्स प्रोवाइड करने चाहिए, जैसे मेरे को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जॉब दी है, तो ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स को आगे आना चाहिए प्लेयर्स को जॉब देने के लिए, तो और भी ज़्यादा वुमेन हॉकी प्रमोट हो सकती है। आई एम श्योर आप लोगों को सबको पता है कि मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ और मैं बचपन से ही खेलते हुए बड़ी हुई हूँ। सो आई एम अ ब्लैक बेल्ट 4th डैन इन टाइक्वांडो, रिप्रेजेंटेड इंडिया 3 टाइम्स
और मैं NBA से एसोसिएटेड हूँ कम से कम 5-6 साल से, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड कर रहा है, और बहुत सारे अवार्ड्स टाइम्स हाउस करते रहते हैं, बट दिस अवार्ड डेफिनेटली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्लोज भी है। देखिए मैं अक्सर सबसे ये कहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस वाली बहुत सारी फिल्म जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ऑब्वियसली फरहान अख्तर की फिल्म बहुत ही अमेजिंग थी, बट आई थिंक प्रियंका चोपड़ा की फिल्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म थी, और ऐसे ही बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की फिल्म अगर आती रहेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरा बायोपिक होना चाहिए। सो आई थिंक बिकॉज इंडिया रिप्रेजेंट किया है मैंने 3 बार, और मैं बचपन से ही ये करती रही हूँ, और मुझे नहीं पता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि कोई और हिंदी सिनेमा में कोई और फीमेल एक्टर है जो मार्शल आर्ट्स करती है, तो अगर कोई और करती है तो उनके ऊपर भी बनना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक बायोपिक एज अ स्पोर्ट्स गर्ल रिप्रेजेंटेड इंडिया, और मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे जैकी चैन से अवार्ड मिला था हांगकॉन्ग चाइना में, तो एक बायोपिक तो बनना ही चाहिए। ऑफकोर्स मैं ही करूँगी, और कौन करेगा। इज दैट ऑल? थैंक यू सो मच। हो गया? थैंक यू। हर्ष वर्धन, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज की शाम को लेकर कितने एक्साइटेड हैं आप और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आज की शाम? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि छोटे शहर से हूँ मैं, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं, क्योंकि फिल्म हो या लाइव स्पोर्ट्स हो, वहाँ पर डिस्कशंस गलियों में सिर्फ यही होता है। हम लोग मैच के बाद ज़रूर मिलते थे दोस्तों से और खूब सारी बातें करते थे कि जडेजा ने ऐसे खेला, अजहरुद्दीन ने ऐसे खेला, और ये हमारे डिस्कशंस को डोमिनेट करता था। एंड आज टाइम्स इज डूइंग सच अ वंडरफुल थिंग बाय एक्नॉलेजिंग द ग्रेट स्पोर्ट्स स्टार्स। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और स्पोर्ट्स मुझे लगता है इंडिया में एक ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ता है और सबको एक कर देता है। और आपका फेवरेट स्पोर्ट्स अगर मैं जानना चाहूं तो कौन सा है, क्या क्या? मुझे बचपन में ना 100 मीटर रेस बहुत पसंद थी, क्योंकि उसमें कोई खर्चा नहीं होता था, सिर्फ जूते खरीद के भागना होता था। कई लोग तो जूते भी नहीं खरीदते थे, स्पाइक्स, तो वो सबसे मुझे लगता था सबसे इजी और सबसे क्विक स्पोर्ट्स है। 10-12 सेकंड में पता चल जाता है कि वेर आर यू स्टैंडिंग। और अब मुझे काफ़ी चीज़ें मैं खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, और मैंने बैडमिंटन काफ़ी खेला हैदराबाद में। क्योंकि स्पोर्ट्स के ऊपर कई सारे फिल्में आई हैं, अगर मैं पूछूं कि आपकी कौन सी फेवरेट है तो आप किसका नाम? मुझे लगता है लगान मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि क्रिकेट के लिए हम लोग सब दीवाने हैं ही, और लगान में छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से उन लोगों ने हाईलाइट किया है फिल्म में, वो स्पिन कैसे कराना है और फील्डिंग कैसे करनी है और जो कैच होता है आखिरी में, तो मुझे लगता है लगान ने बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया है क्रिकेट को। फिर से करना चाहूँगा मिल्खा सिंह का, मतलब बन चुका है एक बार, लेकिन आपने एकदम से सवाल पूछ लिया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आंसर आ रहा है, क्योंकि मिल्खा सिंह आई थिंक आई एम क्रेजी अबाउट 100 मीटर रेस, तो मुझे लगता है कि उनके आसपास रहेगा वो, और आई कुड मे बी एड समथिंग टू इट। एक एक्शन फिल्म मैंने साइन करी बॉलीवुड में, और एक साउथ में फुटबॉल फिल्म, तो स्पोर्ट्स है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट बोथ ऑफ देम। I think I'm very excited because I was here last year and as Mr. India, and today I'm coming as Mr. World. So it's completely my honor to be here, and Times of India is like a family, especially Mr. Vineet Jain, who's given me a platform and a lot of platform to the current Mr. World, Mr. India World, who's Vishnu, and people like us to give us recognition towards world. And because I've come from nowhere, and so Times of India has always been special, and today for the event I'm looking forward for all those people who have done great in sports, and I think that's an inspiration for all of us today to learn a lot from them.
So I just can't wait, go there, and I'm also giving an award. I'm completely honored to do that. And so this gives me actually a reason to work even more harder, because when life gives you so much and so much of importance, I think it tells you that there's something more and it's a responsibility that you need to maintain. So I'm looking forward to it, and I make sure that I'll always keep up to people who are expecting a lot from me. There are many athletes who are not getting a facility from the government for the upper level to compete in international level. What do you like to say about it? I think it's very important. Government should give importance to those who we do not provide the facilities, because I think there are so many sports wherein there are facilities provided. In fact, PV Sindhu is somebody who's come from my city, Hyderabad, and she herself faced some challenges initially. But if you see, she's eventually done great because there was a potential in her. But there are a lot of people like PV Sindhu also. I think we have to provide equal facilities to each and every person who's interested in sports, who's representing our country at international level, because this is something we all have to be proud about. And I believe we live in a generation where equal importance is given to all, unlike caste, religion, or color. So I think we should definitely make sure that everybody is given equal importance. I think बहुत inspiration लिखता है. When I see Virat Kohli is an inspiration for me as well, because he's a young guy. He's 27 and I'm 27. So when I look at Virat Kohli, I feel like, wow, this guy has really worked on the craft of cricket playing. At the same time, he's somebody who keeps himself very always stylish, smart. If you see lately, Virat Kohli is workaholic, good in cricket, good in everything. In fact, he's good in acting though now, so I have to be careful. So I think there's so much I can learn from him. There's so much I can learn from PV Sindhu, because all of us know, and if somebody don't know, that PV Sindhu used to literally travel in train for kilometers. Takes her 2-3 hours to reach a place where she plays. 2-3 hours she goes, she comes back again. So it's a big deal, because you don't know what is going to happen. And she's devoted years into this sport, just believing that it's going to come true, and one day whatever she dreamt about is going to happen. So that hope, that faith is something all the sportsmen have, and this is something I learned from them. And I believe every people, irrespective of their job, business or any field, they should have hope and faith in life that incredible things will happen. So even Bollywood aajkal sports ko kaafi sara rahe hain, kaafi biopics bhi ban rahi hai, to uske bare mein kya kehna chahiye? I think biopics are amazing. MS Dhoni is one of the biopics recently happened. Besides acting of Sushant Singh Rajput, the songs and the beautiful girls in the movie, there's something we learn. A lot of people don't know MS Dhoni's story. They know who MS Dhoni is. So movies like this gives them a motivation that tomorrow they can work hard, because if you see in the movie, he has come to a lot of challenges. He's lost the plot. He was out of cricket at one point of time, but how he grabbed everything and came back, had the hope. So having the patience is something important, people say. So watching that movie, you will remember patience. So biopics like this on sports is something people should do it. And if I get something like that, even if I don't get anything paid, I would love to do it, because work is more important. Thank you so much. Take care. Thank you. Already said to you. Yeah. Yeah, it's a good feeling, quite good. Yeah, I've enjoyed it. Yeah. Well, after that, you just won the best archer award. Best archer. So, what do you want to say about Tiger from India? They have organized such a they have put so much of initial to just give awards to the sports person. So what do you want to say about Times of India? Yeah, Times of India is doing a very good job there, and I'm happy about it. Yeah. Thank you. Yeah, because they have given them this platform where they are getting recognition, and award or recognition is always nice for anyone, and I'm very happy to be a part of here. Thank you so much. Ji. I think everybody cricket, but I feel especially coming from Bollywood, I have seen everyone like Dhoni and so many movies which has come up on cricket where a male cricketer is there. I would look forward for something where a female cricketer, and we promote women cricket team as well in Bollywood.
So yeah, thank you. Akansha, would you like to say something about your upcoming projects? Yeah, I have few projects coming this year. I have a very exciting song coming up soon, and let's see, you'll see once it's there. See ya. Thank you. आने दें इनको, आने दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शूट। उनको उनको भी लगा। चलो रोल दादा आपका। रेडी? यस सर, यस सर। तो इंटरव्यू कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आज के साथ? एक समय था जब मैं सोच रहा था जिंदगी में कि मैं स्पोर्ट्स करूंगा या फिल्म्स करूंगा। अब ऐसा हुआ कि मैं स्पोर्ट्स नहीं कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ। तो बहुत मज़ा आता है जब ऐसा कोई इवेंट होता है, जब एज अ फिल्म मेकर मुझे किसी स्पोर्ट्समैन की गैदरिंग में जाने का मौका मिलता है। आज जिंदगी का मेरे एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि मैं पहली बार नादिया कॉमेनेट्स को देखा मैंने सामने से। उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई, हो सकता अगली बार होगी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। तो हम ऐसा माने कि आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे? एक समय था जब मैं सोच रहा था कि मैं शायद स्पोर्ट्स ही खेलूंगा, क्योंकि फिल्म का ख्वाब फिर भी नहीं देख सकता कोई एक स्मॉल टाउन का लड़का, मगर स्पोर्ट्स के ख्वाब सब देखते हैं। तो कौन से स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते थे? मैं बास्केटबॉल खेलता था। एंड इन दिनों हम अगर देखें तो कई सारे स्पोर्ट्स पर फिल्में आ रही हैं। करेक्ट। वो कौन सी ऐसी फिल्म है जो स्पोर्ट्स पर आपको बहुत ही अच्छी लगी? मुझे इस साल तो दंगल बहुत अच्छी लगी है। सभी लोगों को दंगल बहुत अच्छी लगी होगी। स्पोर्ट्स फिल्म बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्पोर्ट भी दिखाया, स्पोर्टिंग का जज्बा दिखाया, रिलेशनशिप्स दिखाए। उसके बहुत पहले इकबाल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, चक दे बहुत अच्छी फिल्म थी। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं यार स्पोर्ट्स पे जो बहुत अच्छी बनी है। क्योंकि आपका फेवरेट भी है स्पोर्ट्स, तो हम आपको आगे देखेंगे कोई ऐसी अच्छी सी स्पोर्ट्स पर फिल्म? मुझे लगता है, अभी किसी ने पूछा, मुझे लग रहा है कि अगर मैं बास्केटबॉल पे फिल्म बनाऊंगा तो बास्केटबॉल ज़्यादा खेलूंगा और शूटिंग कम करूंगा, तो प्रोड्यूसर के लिए ठीक नहीं होगा, तो मैं नहीं बनाता हूँ। और आपकी फिल्म द रिंग के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्टेटस है? और स्टेटस ये है कि हम अभी भी रिंग का टाइटल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर, द रिंग कभी रहनुमा भी आ रहा सुनने में क्या? करेक्ट करेक्ट। मैं भी ना बहुत गौर से सारे रूमर्स को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ उसमें से कोई अच्छा टाइटल मिल जाए, क्योंकि हमारे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा, तो देखते हैं क्या होता है। तो शाहरुख खान की तरफ से कोई ऐसा सजेशन आता है कि ये नाम रखें? बहुत सारे सजेशन आते हैं उनकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, सबकी तरफ से, मगर कोई अभी तक कोई ऐसा सजेशन नहीं आया है जो एकदम ऐसा यूनानिमसली डिसाइड हो जाए कि ये। क्या स्टेटस है फिल्म का और कहां तक पहुंचेगा? 11 अगस्त को रिलीज है इस फिल्म की, जो जैसा कि हम पहले भी अनाउंस कर चुके हैं, वही स्टेटस है सर। शाहरुख खान ने ट्वीट भी किया था कि हाईवे पे आप लोग लॉन्ग डिस्कशन चली है फिल्म के ऊपर, तो थोड़ा शेयर करना चाहिए क्या? मतलब बहुत अच्छी बात है। क्या क्या था कि मैं हाईवे पे आपके साथ बहुत समय बिताया उन्होंने मूवी के ऊपर बात करते हो? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? एक्चुअली मजा बहुत आता है हम दोनों को ही बातों बात करने में, तो हम कभी छोटी बात करते ही नहीं, हम बहुत बड़ी ही बात करते हैं। मुझे भी बहुत दुख होता है जब ये देखता हूँ कि एक समय पे जो बहुत बड़ा एथलीट था, जो बहुत लोगों का इंस्पिरेशन था, उसको प्रॉब्लम इस तरह से फेस करनी पड़ती है अपनी जिंदगी के अंदर। मगर मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में अचीव करने के लिए फैसिलिटीज से ज़्यादा ज़रूरी खुद का जज्बा होता है, खुद की प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और टैलेंट होता है, और उसके बाद देश का सपोर्ट होना चाहिए। ख़ास करके जो जो अगर किसी प्रतिभा को पा ले, किसी अगर वो फेमस हो जाए, उसके बाद ज़रूर उसको स्टेट से किसी तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे मैं टाटा नगर का हूँ जमशेदपुर का, उसमें मैंने देखा है कि टाटा स्टील बहुत अच्छे से, जैसे रेलवेज है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो स्पोर्ट्समैन का ख्याल बहुत अच्छा रखती है, उनको ज़िंदगी में इन्वॉल्व रखती है, उनको अच्छी नौकरियां देती हैं। तो हिंदुस्तान की सरकार करती है और करेगी तो और अच्छा होगा। आई थिंक इट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्राइड।
I think there are lots of people who take pride in what they do as sportsmen, and we should take pride in ourselves and believe that we can compete. It is not that we don't compete on the international level at any sport. There are so many sports we are world champions in. So the others also we can be. Sir, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो जैसे कि हाल ही में उन्होंने बिग विक्ट्री आई है यूपी और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, तो कभी आपके पास आपके पास कभी स्क्रिप्ट आती है तो क्या आप उनके ऊपर फिल्म बनाना पसंद करेंगे? ये तो बहुत ही अरे स्क्रिप्ट अच्छी आएगी, कोई अच्छा आइडिया आएगा तो क्यों नहीं, बहुत खुशी से बनाना चाहूंगा. All right, thank you. कैसे बात कर रहे हैं ऐसे वाले विजुअल से? Yes. I'm so happy because I'm performing here tonight as well. It's great to be here, and it's such a great endeavor from Times of India Sports Awards. By honoring the past, celebrating the present, and also, promoting the Indian future of sports persons. I think nothing can be better than this. So I'm extremely grateful to be here. Well, I'm performing in my own song, Haseeno Ka Deewana. Apart from that, I'm performing on Tamma Tamma, and I'm performing on Kala Chashma, and I'm doing Hamma Hamma Tamma Tamma Kala Chashma, Haseeno Ka Deewana. All these are songs. I'm a national level basketball champion, so basketball is my most favorite sport. See, regarding all the lack of facilities and lack of training and proper food, which is all required, the basic facilities to sports personalities, I think that's the reason it's such a great endeavor from Times of India Sports Awards, TOISA, because it actually is providing a great recognition to all the sports personalities. So, yeah. Each one of them is so unique, and hats off to all the sports person from our country, India, because they are the real heroes of our country. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है. First time ऐसा कोई award है और अलग अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है ओलंपिक मेडल के बाद, तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए. साक्षी, साक्षी असल में ये ओलंपिक मेडल जीतने का कितना बदलाव आ चुका है आपकी जिंदगी में? बहुत चेंज हुआ है, सब कुछ ही चेंज हो गया एक्चुअली. सब लोग जानते हैं, सब इतना अभी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं,
कि मैं आगे आने वाले इवेंट्स में और बेटर करूँ। तो किस तरह की तैयारी चाहते हैं आप आने वाले ओलंपिक के लिए? तैयारी अच्छी है, एक्सपीरियंस फर्स्ट ओलंपिक्स था मेरा और बहुत एक्सपीरियंस मिला है, और पहले ओलंपिक में इतना अच्छा परफॉर्म, आगे आने वाले ओलंपिक्स में और बेटर करने की कोशिश करेंगे। आज की शाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, टॉयसा जो अवार्ड रिलीज किया गया आज के बारे में क्या कहना? सबसे पहले तो थैंक यू टाइम्स ऑफ इंडिया, थैंक यू विनीत सर, एंड बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है और फर्स्ट ऐसा अवार्ड शो है मेरे लिए। आपको लगता है अभी तक अभी भी ट्रेनिंग कम दी जाती है, आपका इस पर क्या फेडरेशन के लगातार झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह की बात आपको क्या चाहिए? एक्चुअली हमारे रेसलिंग में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए सब प्रॉपर मैनेजमेंट है, प्रॉपर ट्रायल्स हैं, रेसलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये बात है कि जिस चीज़ से रेसलिंग ऊपर जाएगी अगर वो चीज़ होगी तो बहुत अच्छी बात है, जैसे दंगल मूवी से रेसलिंग बहुत ऊपर गई है, लोगों में समझ हुई है, अगर और आगे ऐसे रेसलिंग के बारे में अगर कुछ भी होता है तो अच्छी होगी। वो कौन सी फीमेल एक्टर जो आपके ऊपर अच्छा सा किरदार कर सकती, कौन फिट बैठ? वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है। इट्स लाइक अ ग्रेट प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड गेटिंग दिस अवार्ड, लाइक इट्स अमेजिंग। I really want to thank you, huge thanks to them for this recognition और ऐसे awards हमें sport, every sports person को और अच्छा करने के लिए motivate करते हैं। सर स्पोर्ट्स पर कई सारी हमने देखा है कि फिल्में भी बनी हैं, अगर आप फिल्में देखते हैं फिल्मों का शौक, तो कौन सी फिल्म आपको बहुत ही पसंद है स्पोर्ट्स से? चक दे इंडिया एंड बाग मिल्का बाग। जी आज की शाम बहुत बेहतरीन थी एंड स्पेशली थैंक्स टू टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड फाइनली आई गॉट दिस अवार्ड, सो थैंक यू जूरी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बॉक्सिंग लवर्स, थैंक यू माय फैमिली, सो थैंक यू एवरीवन। भाई जी आपकी विनिंग स्प्री तो चली रही है, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाए तो उसके आगे अभी और क्या देखें? अभी हम जो नेक्स्ट मैच है उसको मुंबई में करेंगे, जो कि वर्ली स्टेडियम, एंड दैट्स गोइंग टू बी ऑन May 26 or 27, सो दैट्स आवर प्लान राइट नाउ, सो प्लीज कम एंड सपोर्ट अस। और जो भी यंग बॉक्सर्स अपकमिंग बॉक्सर्स, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जो देश के लिए? मार खाओ और मारो सबको, दैट्स द बॉक्सिंग का ही सिंपल रूल है, कोई इसमें कहते कि कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें मारना पड़ता है और मार खाना पड़ता है। अभी भी जो छोटे छोटे देश से जो एथलीट्स आ रहे हैं उसे अभी भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, आपने रोडीज में भी कहा गया था कि ऐसा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? अभी तक कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है? हो जाएगा यार, इट्स टेक टाइम, बिकॉज हर एक चीज में टाइम लगता है, और अभी पहले से बेहतर है और एक दिन और भी अच्छी हो जाएंगी, सो जस्ट कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना चाहिए इंसान को, और पॉजिटिव सोचोगे तो सब पॉजिटिव होगा, सो इट्स टेक टाइम और सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। अपने कंट्री का नाम, इंडिया का नाम बहुत रोशन कर रहे हैं, एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट सो मच टू अवर कंट्री, I really look up to them, the level of dedication and focus jo rehta hai unka, and I just watched the gymnastic award, so I was thinking about how much level of focus you need, because it's just that 1 second that you get, and if your timing is half a millisecond wrong, or even if you're running and it's races and you're half a millisecond late, toh you lose it to someone else. Yeah, so. Okay, kyunki sports ki baat ho rahi hai to aapse jaanna chahenge ki sports ki kaun kaun si filmein aapko bahut hi pasand hai, sports ke kaise film bhi aayi hai?
फिल्में. हाँ, रियल लाइफ में आई टू रन फॉर नेशनल्स व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो रनिंग 100 एंड 200 वाज माय फेवरेट. बट स्पोर्ट्स वाली फिल्में दंगल, वेल दैट इज माय फेवरेट नाउ. आई नो इट्स द लेटेस्ट बट आई थिंक इट्स माय फेवरेट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू टच इट और कम इवन क्लोज. Which will be a biopic you will like to do? A sports person's biopic. Probably someone who's been a gymnast, I think. I would really enjoy doing that. And how was your experience in Dubai for Fashion Week? Very good. You are stalking me. Very good. 100 points. You know where I'm going before I know only. That day you knew my flight before I knew. Thank you. It was very good. I enjoy walking the ramp. In real life, we're very casual usually and we get to dress up only for events like this. Or red carpets or to walk the ramp. And in movies, usually we have to stick to the look that is decided by the director or the way the character is written. So these things are fun because you get to experiment a lot more than you get to in real life. Thank you so much. I'm very happy that logon ko ye accent bahut pasand aaya. And I will try now with each film. In my South films, if you followed the work I've done there, I've tried to do different roles. So hopefully in Hindi now, I will try to do different characters. In Hasi to Phasi, I was Gujarati. In 1920, I was English. And now with Commando 2, I was Telugu. So now you'll see more stuff, hopefully soon. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बॉक्सिंग को मेनली ओलंपिक्स और एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉग्नाइज करते हैं, तो अगर हमें ओडीआईस में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है तो ये बहुत अच्छा महसूस होता है. नहीं, बिल्कुल इस तरीके के अवार्ड्स मिलने से मोटिवेशन मिलती है. और जैसे ये अवार्ड्स, ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टेप है. ऐसे अवार्ड्स और ज़्यादा करवाए जाने चाहिए जिससे हमारे यंग बॉक्सर्स को और यंग टैलेंट को भी ऊपर आने का मौका मिले. ऐशा को बहुत बहुत थैंक यू मुझे अवार्ड देने के लिए. बस अपने जो जिमनास्टिक्स के नेक्स्ट जनरेशन है उनको बोलूँगी ऐसे ही हमें जिमनास्टिक्स को हर साल जब टॉयस अवार्ड देते तब हमें ये अवार्ड मिले जिमनास्टिक्स को और बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करें. अवार्ड मिलने से बहुत ज़्यादा, जैसे अभी मेरे जितने भी जूनियर्स हैं सब बोल रहे हैं हाँ दीदी हमें भी ऐसा अवार्ड लेना है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ एक दरवाज़ा तो खोल गया, अभी और सारे खोलना है. मैम, आपको लगता है जिमनेशियम में और भी मूवी बनना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे के मतलब गेम्स हैं जो इतने सराहे नहीं जाते, तो मूवी बनने के बाद वो लाइमलाइट में आ जाते, तो आपको लगता है कि जिमनेशियम? देखिए, वैसे मूवी के लिए बहुत सारा है पर हमें नहीं लगता अभी, हमें भी अभी तक भी कुछ किया पर और कुछ भी करना बाकी है हमारा. जब ओलंपिक मेडल आएगा उसके साथ मूवी करना कुछ अलग ही मजा होगा. क्या आप चाहिए आपके ऊपर फिल्म बन? जब जिमनास्टिक्स ख़त्म कर दूंगी तब बहुत खुशी होगी कि अगर मूवी होगी तो मैं बहुत खुशी होंगी. थैंक यू सर. टॉयफाई इज़ टेकन इनिशिएटिव फॉर स्पोर्ट्समैनशिप, गिव अवार्ड, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आई फील रियली ग्रेट एक्चुअली. रियल हीरोज तो ये लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली जो स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखते हैं. हमें एज एन एक्टर तो वी ऑलवेज गिवन अ स्क्रिप्ट और हम लोग फिर एक्ट करते हैं, बट आई थिंक these real heroes actually write their own script aur fir wo performance hoti hai and we all really feel proud you know whenever we see them perform so well. So really honored, blessed and proud to have such brilliant heroes and Vijender has always made India proud and thank I think you, really thank it's you. A great moment for all of us. Yeah. Sir, sports ke upar bahut sari movie ban rahe hain, agar aapko chance mile to kaise sports ke upar kaam karna chahiye?
बट डेफिनेटली अभी तो मैं बॉक्सिंग करनी और मेरे पास पूरे इनपुट्स भी मिलते रहेंगे फर्स्ट हैंड कि कैसे सीखना है, कैसे करना है और क्या क्या जिंदगी में हुआ था. एंड पंजाब वाला कनेक्शन है तो हर चीज आएगी. वो पंजाबी का जो एक्शन है वो भी एकदम पक्का ही आना है. डेफिनेटली क्यों नहीं. I think सभी कमाल की फिल्म्स हैं. Whether you talk about Sultan, Dangal, हर जितनी फिल्म्स हैं, they're all very very good films. And you know, I think it's a proud moment for all the audience that you know such good cinema is coming. Sir, any upcoming project you like to share? Yeah, there's another Chinese film I'm starting. There's another offer from Jackie Chan's thing also. There's a film in South that I'm starting in Telugu. There's two in my home production also. We're just finalizing few things. Many more to come, but the journey is on. Dabang 2 तो आ चुकी है. Dabang 3 की रणनीति चल रही है. Dabang 2 सलमान खान की जो टूर आ रही है वो बाहर. अच्छा टूर मुझे लगा नहीं उसमें नहीं. I'm shooting for the films but I wish I was a part of it. But like I said you know जरूरी नहीं होता कि टूर में आप साथ जाते जब तक दिल में टिके रहो वो important है. दो तीन बॉक्सर ने ट्राई किया लाइक दे ट्राइंग टू बी लाइक बॉक्सर बट बॉक्सिंग को पकड़ना उसके करेक्टर को पकड़ना इट्स नॉट ए इजी टास्क. यू शुड बी फिट फॉर दैट एंड लाइक प्रॉपर बॉक्सिंग लाइक यू नो पंचीज एंड एवरीथिंग. इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क आई कैन से दैट. आई थिंक पाजी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बिकॉज इज सो फिट यार. यू शुड बी फिट फॉर बॉक्सिंग. यू नो आई रिमेंबर व्हेन आई शूटिंग फॉर कुंग फू योगा और हम लोग रोज ट्रेनिंग के लिए जाते थे. जो हमारा डायरेक्टर था स्टैंडी हिमसेल्फ वाज अ एमएमए एक्सपर्ट और वो हमेशा बोलता था कि नो आपके इंडियन एथलीट्स में यू नो है तो आई ऑलवेज यूज टू टेल अबाउट हिम ओनली कि यार हमारे पास भी बहुत कमाल के बॉक्सर आप जरा तैयार बन के रहो. वी फील रियली प्राउड एंड ब्लेस्ड यू नो कि आज हमारे हिंदुस्तान की धरती से ऐसे एथलीट्स ऐसे कमाल के लोग आ रहे हैं जो आने वाली जनरेशन को इतना इंस्पायर कर रहे हैं टू कम फॉरवर्ड. मुझे लगता है कि मुझे अवार्ड दिया है टॉयसा ने ये मोमेंट की जो मैं यू नो विजेंद्र को अवार्ड दिया मेरा भाई है यू नो एंड आई ऑलवेज फील प्राउड. मैं उनसे अभी बात कर रहा था जब मैं जिम में एक्सरसाइज करता हूँ तो बहुत सारे टेलीविजन रहते हैं जहाँ पे मॉनिटर पे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स चलती रहती हैं और जब भी इनके मैचेस चलते रहते हैं तो मैं सब टीवी पे वो लगा देता हूँ. मैं कह चलो इसको देखो इंस्पायर होते रहो. सो आई थिंक यू विल बी एबल टू वर्क आउट बेटर. सो यू नो रियली फील ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ द होल अवार्ड. नहीं आई डोंट थिंक सो बिकॉज आई एम डूइंग प्रो बॉक्सिंग. आई डोंट थिंक सो कि आई जस्ट यू नो रिलेट विद द गवर्नमेंट लाइक आई डोंट थिंक सो. आई एम नॉट रिलेट विद द गवर्नमेंट राइट नाउ बिकॉज आई एम डूइंग प्रो बॉक्सिंग. दैट्स माई ओन शो. आई एम प्रोड्यूस माई ओन शो एंड डूइंग माई बॉक्सिंग दैट्स इट. बिकॉज इफ आई एम पार्ट ऑफ द अमेचर सो दैट टाइम आई नीड हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट बट राइट नाउ आई एम ओके विद दैट. जी मिलना चाहिए टोटली स्पोर्ट दैट कि ध्यानचंद को रिस्पेक्टेड कहते हैं. जो ध्यानचंद हमारे जो जिनके बारे में कहते हैं हमने बहुत सुना है बिकॉज जो हॉकी के जादूगर होते थे और उनको 100% ध्यान कहते हैं भारत रत्न मिलना चाहिए. Of course, yes. You know, I think these, like I always say, you know, these are the actual real heroes we follow. We have grown up watching them, knowing about them, and I think it's an honor for an award when they get these awards. So I think our government should definitely take these steps forward. Thank you so much, Ji. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Haji? Thank you. Congratulations, you have won an award. Thank you so much. How do you feel? Thank you so much. I feel really honored, and I think this award means a little more than it being an award. It means that finally my India, my country, my media houses have accepted Paralympics as a mainstream sports in India. Times of India ने बहुत ही great initiative लिया है games जो नहीं सराहे जाते इतने और limelight में लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा initiative है.
बहुत ज़रूरी है. हम लोग बार बार कंप्लेन करते हैं कि देश में मेडल नहीं आते या क्या 125 करोड़ की जनसंख्या में हमारे पास खिलाड़ी नहीं है. आई थिंक रोल मॉडल्स की कमी रह जाती है. जब हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी, छोटे बच्चे देखेंगे ही नहीं अपने स्पोर्ट्स स्टार्स को, उनको जानेंगे नहीं, उन्हें पहचानेंगे नहीं, तो फिर उनके पदचिन्हों पे चलेंगे कैसे. सो आई थिंक ये अवार्ड इस टाइप का जिसमें सारे स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स को और यहाँ तक कि हमारे पैरा स्पोर्ट्स को भी दिखाया गया है, तो जितना वो कहते हैं ना कि जितना दिखेंगे उतना ही बच्चे उसको फॉलो करेंगे और आगे आगे आई थिंक इतनी वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स के रोल मॉडल्स को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलेंगे और फिर तो मेडल की बौछार लगने वाली है. सो यू ऑल्सो बीइंग अ रोल मॉडल, व्हाट यू वांट टू से टू वुमेन, व्हाट यू वांट टू गिव एन एडवाइस टू अ वुमेन? आई थिंक आई रियली डोंट वांट टू गिव एन एडवाइस स्पेसिफिकली टू वुमेन बिकॉज आई डोंट सी देयर इज मच डिफरेंस in women or men. We are all human beings, we are made of the same emotions, we are made of the same feelings. If a 46-year-old woman with chest below paralysis can go and pick up the first Paralympic medal for India, I think whether it's a man or a woman, when put their mind to it, can achieve almost anything. It's just all about mind over body, I guess. There are many athletes from small states, they are not getting a facility from the government properly to compete in international level. What do you like to say about that? I think things have changed a lot. I probably would not have been able to win a medal if I was not absorbed in the Target Olympic Podium scheme as announced by the government. You'll be surprised to know that whatever medals or whatever effort that I have put in last 5 years has been nothing but thanks to the government support, and because for the major part of India. So I think now that we have a new federation, Ravinder Singh Chinji is heading as a president, things are going to formulate. These medals that we have won, 4 medals in Rio Paralympics, have brought us in the limelight. People are talking about our sports. Corporates want to come forward and hold our hands. There is a lot of talk about infrastructure being created. I think it's a good beginning, and when it's a good beginning, they say it's half done. Now, talking about the big player athletes like Dhyan Chand, he didn't get till now Bharat Ratna. What is your opinion? Because if you talk about the cricket, they get good at compensation, rewards properly. But if you talk about the athletes, they are not getting a proper reward and compensation. Talking about Dhyan Chand, he didn't get a Bharat Ratna, most prestigious award. Yeah. How you see that? I see that. Well, Bharat Ratna to be given to a hero from the national sport, it would really boost up the culture of hockey in India. He's definitely someone we all look up to, and I'm sure sooner or later he will be bestowed with what he deserves. Do you think the Modi government should push at least his name as an award? Because I don't think I'm an expert to talk about that. Government has its own competence to decide, and I would not like to comment on that. Being a role model, what do you like to give a message to all the new being athletes? A role model, being a role model for the new athletes, I think I will yet again say the same thing, that follow your heart, follow your passion, and be honest to that passion. Just by saying that I love this sport, or I want to play this sport, or I want to reach that level, won't work. Any success demands hard work, sweat, dedication, perseverance, consistency. These are not dictionary words. If you want to be there, you have to learn to mean these words. Thank you. Okay, aaj ke liye ab pata lagao hamara kitna pasina jata hai pichle do hum log बोलते रहते हैं. बोलना. थैंक यू.